आप किसी भी बैंक से निकाल या जमा कर सकते हैं रकम, ब्रांच की मजबूरी होगी खत्म, नीति आयोग ने भेजा प्रस्ताव, वित्त मंत्रालय ने भरी हामी, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर। नोटबंदी के बाद दुगनी होगी टैक्स पेयर्स की संख्या, सूत्रों के हवाले से खबर, आईटी विभाग कर रहा बैंकों में डिपॉजिट की जांच, बजट में हो सकता है रोड मैप का ऐलान। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले में पद के दुरुपयोग मामले में दिए जांच के आदेश। जिंदल कोल ब्लॉक मामले में सीबीआई को अदालत का आदेश, 6 फरवरी तक फाइल करे अंतिम रिपोर्ट, जिंदल की कंपनी के सीए रहे सुरेश सिंघल के सरकारी गवाह बनने के बाद जांच पर देनी है रिपोर्ट। एक मुश्त हुए मुनाफे से एचयूएल के नतीजे अनुमान से बेहतर, मुनाफा करीब 7% बढ़ा, बिक्री में मामूली गिरावट। रतन टाटा को सेबी से क्लीन चिट, सूत्रों के हवाले से खबर, चेयरमैन एमेरिटस से जानकारी बांट सकता है बोर्ड, अनुभव का फायदा लेने में कोई बुराई नहीं। इंट्राडे में निफ्टी निकला 8400 के पार, सेंसेक्स 83, निफ्टी 42 अंक चढ़कर बंद, मेटल तेल गैस शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। अब तक 50% भरा बीएसई का आईपीओ, 25 जनवरी को बंद होगा इशू, प्राइस बैंड 805 रुपए से 806 रुपए तय। दिल्ली को जोड़ने वाला डीएनडी फ्लाईवे अगले 2 महीने भी रहेगा फ्री, सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी को टोल कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिया 8 हफ्ते का वक्त। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, अदालत ने कहा डीडीए की जमीन पर बने स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी है।